दस जानू है, दस की खेती से इस इलाके में, दस ने दर्शन किए हैं महापुरुषों के बहुत बचपन की अवस्था में, चार पांच साल की उम्र होगी। दस के दादा जी बाबा देवेंद्र सिंह महाराज जो नाल ही इस नगर में रहा करते सन, इस पावन स्थान पर आए। जंगल बियाबान जब दिन वेले भी संसारी लोग दया करते सन, तो गुरु नानक ने अपना एक फकीर भेजा, अपना संत भेजा बाबा हरनाम सिंह महाराज जी के रूप में, जिन्होंने इसी स्थान पर बैठ के धन धन श्री ग्रंथ साहब महाराज की उपासना करके आप जपया, अवरा नाम जपाया। तो साक्षात गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगियां वाले पातशाह के दरबारे किए, महापुरुष आख गए ने कि संत ते मरदा नहीं। एक गलत है आख देना कि संत चले गया है, जब संत गया होंगे तो आप के दर्शन किए होंगे। महापुरुष एक बीज बेज बीज गए सन, एक दुष बीज की फलवाड़ी है प्रफुल्लित है। जैसा महापुरुषों का जीवन सी वैसा आपका जीवन नजर आता है, कोई अंतर नहीं आप दे अंदर। मैं तो बैठा सोच रहा सी आपनों की सिख्या दिती जावे, की आपनों दर्शाया जावे, जिनको क्या उपदेशी है, जिन गुरु नानक ने एक आद जो जीवत मृतक हो, तुसते जीवत हो ते मृतक भी हो, मिटे हुए हो। जिस मिटन की गुरु नानक ने गल की है, पहला मरन कबूल जीवन की छड़ियास, ओ हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। विचार संत भी चल रही है कि संत संसारों की दिंदा है, संसार दिंदा ही दिंदा है, लेना कुछ नहीं, मंगदा की है गुरु तो, मंगदा की है गुरु तो, कि हे दाता संसार दे दुख मेरी चोली विच पा दे, इना जिज्ञासुआं नूं इनो तेरे प्यारियां नूं सुख बख्श। ऐसा ही एक संत होया है जिसकी गाथा आप नाल सांझी करके दास सेवा दा जाचक होवेगा। एक ऐसा ही संत होया है, संत ते बाद विच बनिया, पहले संत भी नहीं आख्या गया, भाई हरि सिंह करके सत्ते बख्शे दा इलाका, पाकिस्तान दा इलाका। उस इलाके विच गुसाइयां दे मुरीद सन, दास दे वड़े वडेरे बाबा साहिब सिंह महाराज, गुरु नानक पातशाह दा ग्यारहवां खून, सिख राज दे महान उसरिए जिन्हां ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश सी, मीर मन्नू दे समय तो बाद गुरसिखां नूं जे मुड़ के फिर किसी ने खड़ा किया तो बाबा साहिब सिंह महाराज सन, जिन्हां ने 11,000 मालवे के पिंडां नूं खंडे बाटे का अमृत छका के त्याग बत्याग गुरसिख कायम किया। दौरे विच गए, एक संगतां विच विचर रहे सन, सत्ते बख्शे दे इलाके विच गए, बेंत प्राणी मिले, गुसाइयां दे मरीद सन। बाबा जी की प्रेरणा दे सदके सारे नगर ने अमृत छक के त्यार पर त्यार गुरसिख पैदा आए। उस नगर विच बड़ा रौला वाला वाला पाया, पिंड वालियां नूं आखिया कैसा रूप बना लिया है भाई पुरखो। नगर निवासियों ने आखिया कि भाई साडे नाल नाराज ना होवो, साडे नगर का एक मुखी है हरि सिंह, उहदे नाल गल कर लो। हरी सिंह त्याग पर त्याग गुरसिख आके गुसाइयों के अगे खड़ा हो गया, आखन लगा हां गुसाइयों हुक्म करो की गल है, तो की कर्म कमाया है, की लोगों को पुठे रस्ते पा दिता है, तो एक कैसा रूप बना दिता है इन्होंने। भाई हरी सिंह ने उत्तर दिता, गुसाइयों नमस्कार है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਪਤਾ ਹੈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਸਾਈ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਹਰੀਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਚੱਲਣ। ਐਸਾ ਕੋ ਪਾਣਾ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ।
नगर निवासियों ने भी आख्या कि भाई कौन हो गया, बार करो। बाहर जाके नगर के वसीने पर एक स्थान कायम कर दिता। उत्थे बैठा हरी सिंह प्रभु की इबादत, उस मालिक की इबादत, उस गुरु नानक को याद करता रहा। संगतां दीआं मुरादां पूरियां होण लग पईआं, बाबा हरी सिंह आखण लग पए। पर बैठा की तकदा है संसारी कि बाबा हरी सिंह दे शरीर ते कीड़े चलदे ने, कीड़े हेठां डिगदे ने, चुक के फिर उपर रखदा है कि प्यारे हो तुसीं तां ना मैनूं छड के जाओ, मैनू तो सारा संसार छड गया है, तुहाडे बदले मैनूं सिक्खी मिली है, तुसीं छड के ना जाओ, तरले करे उहने कीड़िआं ने के आप तोड़े दुख लेके संसार तो चले जाता है। ऐसे संत ऐसे महापुरुषों का देना असी नहीं दे सकते, क्योंकि मिट के संत बनया जाता है। संत जो होगा तो मिटिया नहीं, तो संत नहीं मुड़ता हो। जो मिट गया वो संत है, जो मिटिया नहीं वो संत नहीं पा सकता। सो प्यारियों, इस दरवे गल से सिख्या विख्यान करना अपना नहीं है। दास भी आया है, जो तुसी मंगल आए दास भी उही मंगला है कि इस दर से आया है कि हे गुरु नानक विस्तर नहीं दाता अपना नाम देव गुण का वजनदार नानक चाओ हो ये हो चाओ ये हो तड़प लैके दास भी इस दर से आया है। मत किसे महापुरुष के दरले दौलत से खटखटावांगा बुआ तो मेरी झोली भी खैर पै जाएगी। तो प्यारे हो, जो कामना लेके जो मंग लेके गुरु नानक के दर से, गुरु नानक का दर है जिसे साहिबा का प्रकाश है, अरदास है दाते के चरणों में, खाली झोली लेके आए हो पढ़ के झोलियां ले जाओ। ये दिन ये महापुरुषों के दिदारे, ये महापुरुषों की यादा सदा मनाई जाइए। दर्शन करने होना महापुरुषा ने तको का बाबा सेवा से जीवन गुणा ने भंडार, गरीबी गुरु नानक की कुट कुट के अंदर भरी हुई है, प्यार विच पिजे हुए ने, संगतां की सेवा विच जुटे हुए ने। ऐसा कोई कोई है, कोई कोई। सो प्यारियों, दास भारी है सर्वत साथ संगत, जो प्यार जो सत्कार आपने महापुरुषों को इस तक बख्शिया है, क्यों ना बख्शिया जाए। गुरु नानक का दर है ते संतां का घर है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे। इसी तरह ये समागम मनाई जाइए, इसी तरह गुरु बख्शिश करे रहमत करे जो संसार का बखेरा है, जो टुटे हुए हैं उस दर नालों, दाता रहमत करे साड़ी टुटी गंढ लवे, ते असी भी गुरु नानक की बख्शिश के पात्र बन के संसार विच विचर सकीए। भुला चुका दी माफी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।